देखिए, अमित शाह जी जब भी उत्तर प्रदेश आते हैं, एक पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन से लेकर तमाम जो और कार्यक्रम होते हैं उसमें वो भाग लेते हैं, और अंदर जो भी एक हमारी कोर टीम होती है उसके बीच में जो पॉइंट्स बने होते हैं उस पर डिस्कशन होता है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में आगे की कार्य योजना बनती है। बताया जा रहा है कि वो पार्टी और सरकार के बीच काफ़ी दिनों जो मतभेद हैं उसको लेकर नाराज हैं, ऐसे में उनका दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हर बात की डे टू डे रिपोर्ट रहती है, तो ये कहना एकदम सरासर गलत है कि वो नाराज है। हर संगठन की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचती रहती हैं, और उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जब प्रदेश में आते हैं तो सबको बैठाकर उस पर चिंतन करते और आगे का रास्ता प्रशस्त करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर 24 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं। राम मंदिर मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान आने के बाद अमित शाह का यह यूपी दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ सरकार और यूपी बीजेपी व संघ के स्तर पर जो पिछले काफ़ी दिनों से संवादहीनता बनी हुई है और तमाम सारे विषयों पर समन्वय नहीं दिखा, उसको लेकर भी अमित शाह इस अपनी महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारियों और चलाए जाने वाले अभियानों को लेकर भी वो पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी लखनऊ।